नमस्कार। इस वक्त हमारा देश कोविड संक्रमण से बचने के लिए एक जंग लड़ रहा है और आप लोग जानते हैं कि भारत के अलावा और भी कई अन्य देश इस संक्रमण से जूझ रहे हैं। यूरोप और यूएस में कई लाख लोग इस संक्रमण से ग्रस्त हैं और कई हज़ार की मृत्यु हो चुकी है। पर साथ ही साथ विश्व में कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने अपनी क्विक रिस्पॉन्स और इफ़ेक्टिव एक्शन से कोविड संक्रमण को काफ़ी हद तक रोक दिया और अपने देशों को इस संक्रमण के किसी भी बुरे प्रभाव से बचा लिया। तो आज हम सबसे पहले ताइवान के बारे में बात करेंगे। ताइवान की खासियत यह है कि ताइवान चाइना के बहुत करीब है और ये 2.5 करोड़ या 2 करोड़ से कुछ ज़्यादा की आबादी का देश है और लगभग 8,50,000 लोग वहाँ पे मेनलैंड चाइना में काम करते हैं। तो लोगों का ये मानना था कि जब चाइना में कोविड वायरस फैला तो सबका ये समझना था कि ताइवान में भी ये इन्फेक्शन बहुत बुरी तरह फैलेगा, और क्योंकि ये इन्फेक्शन न्यू ईयर के वक्त फैला, जो कि चाइनीज़ न्यू ईयर के वक्त ये इन्फेक्शन फैला, उस वक्त ट्रैवल भी बहुत होता है, तो सबका ये मानना था कि कोई तरीका नहीं है कि ताइवान इस इन्फेक्शन से बच जाए। पर ताइवान बचा और ताइवान ने सारे विश्व के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि इस संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि ताइवान ने किस तरह से अपने आप को इस मुश्किल से बचाया। तो 31 दिसंबर को वुहान से ये खबर आई कि कोविड वायरस का संक्रमण फैल रहा है, तो उसी वक्त ताइवान की सरकार ने चाइना से जो फ्लाइट्स आ रही थी या चाइना को जो फ्लाइट्स जा रही थी उन पे रोक लगा दी और पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग शुरू कर दी। एक ही हफ्ते में ये स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई थी और जो भी लोग सिम्टम्स दिखा रहे थे या जिनके ऊपर भी संदेह हो रहा था उनको क्वारंटाइन किया गया। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि ताइवान में 2003 में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम फैला था, यानी कि सार्स जिसे हम कहते हैं, और उसके कारण उस देश में काफ़ी मुश्किल हुई थी। पर 2003 में जो मुश्किलें पैदा हुई थी उनसे सीख लेके ताइवान ने कोविड वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए। तो उसके एकदम बाद ही इन्होंने एक नेशनल हेल्थ कमांड सेंटर एक्टिवेट कर दिया, जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है और ऑथेंटिक न्यूज़ और मेजर्स के लिए एक कमांड सेंटर बन जाता है। इसी नेशनल हेल्थ कमांड सेंटर के अंडर एक सेंट्रल एपिडेमिक कंट्रोल सेंटर भी है, जो कि केवल इन बड़ी आउटब्रेक्स के वक्त एक्टिवेट किया जाता है और इन आउटब्रेक्स को रोकने और इफ़ेक्टिव मेजर्स लेने में इस कमांड सेंटर का रोल होता है। तो इन्होंने बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया। इन्होंने एक ही दिन में जितने भी ट्रैवलर्स थे उनकी 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री एकत्र करके जिस भी व्यक्ति पर संदेह हुआ उसको क्वारंटाइन करके सेलफोन के थ्रू मॉनिटर किया, और कुछ ही दिनों में जितने भी वहाँ पे हॉस्पिटल क्लिनिक फार्मेसीज थे उनको सभी लोगों का की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में एक डेटा दे दिया ताकि उनको सुचारू रूप से मॉनिटर किया जा सके, क्वारंटाइन किया जा सके और दवाइयाँ दी जा सके। और उसके पश्चात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इन्होंने जो हाई रिस्क जोन्स थे उनको मैप पे डिमार्केट कर दिया और मास्क की अवेलेबिलिटी भी मैप पे दिखाई जाने लगी ताकि लोगों को ज़रूरी सामान और मास्क इत्यादि के लिए
घूमना ना पड़े। हर दिन इनके हेल्थ मिनिस्टर, इनके वाइस प्रेसिडेंट, इनके प्रोमिनेंट डॉक्टर्स हैंड हाइजीन, सैनिटेशन, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर टीवी पे, मीडिया में टॉक्स दे रहे थे, जिससे कि जनता को जानकारी रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, सब जगह पे सैनिटाइज़र और सोप का यूज़ किया जाने लगा, मास्क का यूज़ किया जाने लगा। इन्होंने इम्पोर्ट उस वक्त बंद कर दिए और लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट किया। और आप ये जान के आश्चर्य करेंगे कि ताइवान एक दिन में 1 करोड़ मास्क बनाने में सक्षम था। इन्होंने बहुत जल्दी ही 4 करोड़ मास्क का स्टॉकपाइल एकत्र कर दिया। 1.5 लाख से ज़्यादा इनके पास N95 मास्क थे और 1100 के लगभग नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम्स थे इनके पास। इन्होंने अभी एक खबर आई थी कि ताइवान यूरोप और यूएस को 1 करोड़ मास्क डोनेट करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश ने कितने अद्भुत तरीके से इस संक्रमण का मुकाबला किया और जीते। और वहाँ पे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं और जो सरकार में लोग हैं, वो कहते हैं कि यूरोप और यूएस या इंडिया अगर उनके उपायों को का अध्ययन करेंगे और यूज़ करेंगे तो वो भी इस संक्रमण से बच सकते हैं। तो मेरी आप सबसे ये अपील थी कि जिस तरह से ताइवान के लोगों ने और ताइवान की सरकार ने एक दूसरे के साथ मिलके इस संक्रमण को हराया, उसी तरह से हमें भी कोशिश करनी है और इस बीमारी को हराना है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।